Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. Satwat Ki Academy, special bachon ke liye. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ इसको जानने के लिए प्लीज़ इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए। आज जो चीज़ के बारे में मैं बात आपको सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है और वो है स्केड्यूल्स। नो मैटर व्हाट द डिसेबिलिटी, यू वुड नीड स्केड्यूल्स फॉर योर चाइल्ड, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट। यानी आप बच्चा ऑटिज्म है, उसे डाउन सिंड्रोम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, सिम्बल्स, विजुअल्स, आइकॉन्स, स्केड्यूल्स, दे ऑल, ये सब चीज़ें वर्क करती हैं इन बच्चों के लिए। अगर मैं ज़्यादा मुश्किल अल्फाज में बोल रही हूँ कुछ ऐसे लोगों के लिए, मुझे पता है मुझे बहुत जगहों से कॉल्स आती हैं, पाकिस्तान के रूरल तरीन एरियाज़ में से भी आती हैं और बड़े शहरों से भी आती हैं। तो मतलब सिर्फ ये है तस्वीर के साथ बच्चे को बताना कि अब क्या होने लगा है या क्या होने वाला है। और अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर मैसेंजर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नाम सतवत करीम खान है उसमें, तो आप उधर मुझे ढूंढ लीजिए और प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिए, तो मैं आपको मज़ीद समझा दूंगी अगर कोई मसला है। तो चलिए ठीक है, आज स्केड्यूल्स पे हम बात करने लगे हैं। ये स्केड्यूल्स उन लोगों के लिए हैं जो कि ज़रा माइल्ड से मॉडरेट की तरफ है। बे इंतहा सवेर बच्चों के लिए हम इतने ज़्यादा आइकॉन्स नहीं यूज़ करेंगे, अभी आप देख लेंगे एग्जाम्पल में, तो इतने आइकॉन्स नहीं यूज़ करेंगे, उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा। वो मेरी सेकेंड एग्जाम्पल जो होगी ना इसमें, जिसमें ज़रा कम आइकॉन्स है, उस तरह से होगा, थोड़ा मोर डिटेल्ड होगा। और हो सकता है उनके लिए, जैसे अगर मेरी एक विजुअल्स वाली मैंने दो अपलोड की हुई हैं वीडियोज़, उनको बहुत कम लोगों ने देखा है कंपेयर टू अदर वीडियोज़, जो कुछ बहुत पॉपुलर हो जाती हैं और कुछ इतनी नहीं हो पाती। बट वो विजुअल्स आप याद रखिए बहुत बेसिक्स हैं। कोई स्पेशल एजुकेशन टीचर, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कोई स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मैंने यहाँ नहीं देखा, जो कि थोड़ा बहुत तस्वीरों को, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा, टीचर्स SDC टीचर्स बहुत ज़्यादा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी विजुअल्स का डिपेंड करता है कि कितना बच्चा सिवेर है उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम ये चलते हैं, उनको भी वीडियोस को देखिए, यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप कल चाहें कि अपने घर में एक स्केड्यूल अपने बच्चे के साथ इस्तेमाल कर सकें, वो आपकी बात नहीं मान रहा, सुबह ही में मसला हो जाता है, या कैसे अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके दो तरीके मैं यहाँ बता देती हूँ, बहुत सारे तरीके, आज मैं सिर्फ दो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं हाउ टू स्टार्ट एट होम विद स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स की बातें बहुत लोग करते हैं लेकिन माँ बाप अक्सर जगह पे फंस जाते हैं ये सोचने में कि हम असल में कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, हमारी लाइफ पे क्या सूट करता है। तो दो चीजों से मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ, एक फुल डे स्केड्यूल यानी पूरा दिन का स्केड्यूल, ठीक है, तस्वीरों में हम बात करें, और दूसरा कुछ पार्ट ऑफ द डे जो है वो स्केड्यूल के साथ, वो भी तस्वीरों में, और फिर उसको फॉलो अप करेंगे। एक और तरीका भी हो सकता है और वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और ज्यादा करना चाहते हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं फुल डे स्केड्यूल विद लॉट्स ऑफ चॉइसेस, यानी पूरा दिन बच्चे की चॉइस के साथ। अब आप ये देखो, आप इसमें समझ लो कि ये 3 पेजेस हैं, आप चाहे इसी को प्रिंट कर लो अपने सिर्फ घर के यूज के लिए, क्योंकि पीछे नीचे आप देखें रेड में मैंने लिखा है प्लीज इसको ट्रेनिंग्स और इधर उधर मत यूज कीजिए, क्योंकि मेरी क्रिएशन है, तो आप सिर्फ पूछ लीजिए तो बेहतर होगा। बट एनीवे, पेरेंट्स जो घर में यूज करना चाहते हैं इसी की तस्वीर ले लें अपने फोन पे और फिर उसको प्रिंट आउट कर लें चाहे, या अपने घर में बना लें किसी तरीके से भी। अब आप देखें मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये रहा मॉर्निंग, ये आफ्टरनून, ये इवनिंग, सुबह, दोपहर, शाम। इवन यहाँ पे भी मैंने तस्वीरें डाल दी ताकि जब आप बच्चों से मॉर्निंग कहो तो उसको तस्वीर से भी थोड़ा सा क्लिक करो, ये विजुअल क्यूज भी होते हैं बच्चों के लिए। ये एक तरीका है। अब आप देखो इसमें पूरा दिन तकरीबन उनका हमने डाला हुआ है। सुबह का स्केड्यूल कैसे हो गया जनाब, उठे, बाथरूम गए, दांत ब्रश किए, यहाँ पे जब आप पहले स्टेप पे पहुंचे तो बच्चा अभी उठ रहा है, आंखें नहीं खोली, तो मैंने वो वाला यहाँ पे से हटा लिया कि सुबह उठने वाला। उसके बाद अगली चीज ये करते हैं कि यूजली बाथरूम जाते हैं, दांत ब्रश करते हैं। जब आप यहाँ तक पहुंचे तो आप उनको चॉइस दे सकते हो कि पहले ये करना है या ये करना है, तो बच्चे अपनी मर्जी से चूज करके दांत ब्रश करने को कहते हैं तो आपने उनको चॉइस दे दांत ब्रश कर लिया। अगर बाथरूम टॉयलेट यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर लिया। इस बोर्ड में अगर आप देखें तो मैंने उनको चॉइस खास नहीं दी हुई, एक के बाद एक के बाद एक, चाहे तो आप चॉइस भी सीख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ब्रेकफास्ट, आई वुड अस्यूम कि इसके बाद सीधा ब्रेकफास्ट ही आएगा, आप ब्रेकफास्ट का उनको दिखाएंगे और उसके बाद उनको नाश्ता दे देंगे, फिर आप उनसे कहेंगे अब थोड़ी देर खेल लो, क्योंकि माएं जो है वो क्लीन भी करती हैं चीजें तो उनको टाइम चाहिए होता है, और उसके बाद कपड़े चेंज कर लो। इसके और इसके दरमियान आप उन्हें चॉइस भी दे सकते हैं कि पहले कपड़े चेंज करोगे या खेलोगे। इस
स्केड्यूल को आप किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तरीके। देखो साइड बाय साइड चॉइसेस बिल्ड की हैं, लीनियर में मैंने चॉइस बिल्ड नहीं की, चाहे तो कर भी सकते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए दोपहर वाले स्केड्यूल में, जब ये पेज यूज कर रहे हो तो दोपहर वाला हटा दें। दोपहर में ये भी आप सोच सकते हो कि जनरली ये काम करने, इसमें से किस तरीके से करना है, किस वक्त करना है, ये बच्चे की भी चॉइस हो सकती है। दोपहर में आप देख लें ये ज्यादा विजिबल मैंने कर दिया, हर चीज को मैंने चॉइस पे डाल दिया। आप बच्चे को सिर्फ दो चॉइसेस भी दे सकते हो हर दफा, या फिर आप उसको सारी चॉइसेस ओपन कर सकते हो कि पहले क्या करोगे। अब दोपहर का वक्त है, पहले लंच, अगर लंच का टाइम है उसको ऑप्शन दे दे, लंच करोगे, चूज एन एक्टिविटी, आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं पहले क्या करेंगे, बार बाइसिकलिंग चलाना, स्नैक लेना, ये बाहर जाके सिर्फ अपने यार्ड में खेलना, कंप्यूटर टाइम, अपने कोई पेट्स को देखना, या फिर टॉय से खेलना, और या टेबल पे बैठ के काम करना, ये वाला जरा ज्यादा मुश्किल होगा। तो जब आप ये वाला करने, लेट्स से बच्चा हर दफा ये खाना, साइकिल चलाना, गेम्स, ये चीजें चूज कर लेता है, लेकिन ये टेबल पे बैठ के काम करना नहीं सीखता, या अपना कोई जो आपने वर्क टाइम एस्टैब्लिश किया वो नहीं करना चाहता, तो आप फिर इसको चॉइस के साथ देंगे। इसको आप हमेशा खाने या किसी फन चीज के साथ करते हैं, पहले ये और फिर ये, पहले ये और फिर ये, ऐसे करते हैं, और आपकी मर्जी है। अगर इस टाइम में आप उन्हें कुछ और देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक वेरी क्लियरली कि ओके पहले लंच होगा लेकिन फिर हम टेबल पे बैठेंगे, लंच टेबल एंड देन टॉयज, ऐसे भी बिल्ड कर सकते हैं। इसको आप बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप गौर करें, इसमें मैंने ये लीनियर नहीं रखा हुआ, यानी चॉइसेस है काफी बिल्डअप, क्योंकि दोपहर में बच्चों के पास आजकल के खासतौर पे COVID-19 में तो चॉइसेस होनी चाहिए। चॉइसेस से ये होता है तस्वीरें देख के वो खुद, उनकी भी तो कुछ खुद मुख्तारी हो ना कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारने चाहते हैं। जो बच्चे बोल नहीं सकते, जिनके स्पीच के मसाइल होते हैं, उनको इसमें बहुत मुश्किल होता है, तो ये एक तरीका है उनको चॉइसेस देने का। अब आ जाए आप शाम के वक्त, शाम को यहाँ पे देखिए मैंने डाला है कि अगर एक शावर लेंगे, फिर टीवी देखेंगे, फिर वही कि दांत ब्रश करोगे या पहले ये करोगे, फिर किताब पढ़ना। यूजुअली किताब पढ़ना बेड के साथ इसलिए कहते हैं कि उस वक्त बच्चा काम डाउन होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि सोने से पहले बच्चों, जो जिन बच्चों को स्लीप के इश्यूज होते हैं, उनका सबसे पहला चीज जो आपको थेरेपिस्ट ये लोग बताएंगे वो ये है, अगर मेडिकेशन से उसको नहीं हल करे, वो यही है कि प्लीज इसका एक स्केड्यूल सेट करें, स्लीप टाइम से पहले का स्केड्यूल। और उसमें ये हो सकता है कि पहला ये दे दिया, फिर बाथरूम, और वो आप बच्चा डीएस्केलेट होना शुरू हुआ, बच्चे को बिस्तर में बिठाया, आपने वहां पे लाइटें थोड़ी सी डिम कर दी, उसके साथ उसकी फेवरेट बुक्स पढ़ी, और फिर वो वहीं से ही सो जाएगा, अब वो बिस्तर से नहीं निकलेगा वंस वो ये करेगा। तो स्लीप के लिए ये स्केड्यूल सेट करना बहुत जरूरी होता है। बट एनीवे आपने ये देख लिया, ये सुबह दोपहर शाम की मैंने आपको स्केड्यूल्स दे दिए, चाहे तो ऐसे प्रिंट कर लें, चाहे तो अपने हाथ से बना लें तस्वीरें, अपने फोन पे तस्वीरें खींच लें और वो लगा लें आप प्रिंट करके, जब वंस दुकानें खुल जाए सब कुछ, तो आप अपनी मर्जी से हर चीज कर सकते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आपने ये देखा ये फुल डे स्केड्यूल था, बच्चे के पास पूरे दिन में बड़ी खुली खुली चॉइसेस थी। इसमें मैंने अब सिर्फ मॉर्निंग के स्केड्यूल का थोड़ी देर की चॉइसेस दी है, कुछ पार्ट ऑफ द डे। इसको आप दूसरे वाले स्केड्यूल के साथ यूज करते हो, जब मॉर्निंग में आपने कहा था कि जी ब्रेकफास्ट खानी है, आप जब ब्रेकफास्ट का वर्क आया तो आप उस वक्त ये वाला पेज निकाल सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, या सिर्फ बाथरूम और ब्रेकफास्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं, या आप वो वाले पेरेंट नहीं है कि आप पूरा दिन उससे चॉइसेस पूछ सकें, आपके घर में और भी बहुत काम है, और भी बहुत बच्चे, तो शुरू करने के लिए आप सिर्फ एक सर्टन टाइम पे, बच्चा बिस्तर से निकला, आपने उसको ये चॉइस दी, तीन चॉइस, पहले हम बाथरूम जाएंगे फिर हम नाश्ता करेंगे। अब बाथरूम गया बच्चा, आप उसे पूछे पहले हाथ धोना है, दांत ब्रश करें, टॉयलेट जाना है, जिस ऑर्डर में भी वो चाहे उस ऑर्डर में आप सब कर लें। और इस तरह याद रखिए कि उसके दिमाग में कनेक्शंस भी पैदा हो रहे होंगे, उसको चॉइसेस भी मिल रही है, ये नहीं कि अम्मी ने पकड़ के बिठा दिया तो बिठा दिया, अब्बू ने पकड़ के दांत ब्रश कर दिए तो कर दिए, थोड़ी सी उनकी अपनी भी चॉइस आ जाती है इसमें। जैसे अगर टूथब्रश हो तो आप अगर बच्चे के दो टूथब्रश रख लें तो रोज उसको चॉइस ऑफ कलर दे सकते हैं, एक स्पाइडरमैन का टूथब्रश है, बहुत कुछ डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, दो तरह के सोप्स रख सकते हैं जरा इंटरेस्टिंग किस्म, अगर जो लोग कर सकते हैं वो जरूर कर लें इस तरह से। अब ये हो गया, यहाँ से तीनों चॉइसेस होगी। मैं सजेस्ट करूंगी अगर इसको आपने लैमिनेट किया हुआ था, तो जैसे अगर बच्चा टॉयलेट गया तो आपने उसके सामने इसको क्रॉस कर दिया कि ये हो गया, अब ये और ये की चॉइस है, ठीक है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। उसके बाद नाश्ते में आ जाएं। अब आप देख ले नाश्ते को भी हम, आपने फॉर्म बच्चे को बिठाया, पूछा जैसे पराठा या डबल रोटी, मैंने तो एग्जांपल्स दिए, आप अपनी मर्जी से तस्वीरें कर सकते हैं, अंडा या सीरियल, राइट। तो ये हो गया एक स्केड्यूल, कम से कम आपने खाने के टाइम को और बाथरूम के टाइम को थोड़ा सा स्केड्यूल में लिया है, अगर आप फुल डे नहीं भी कर सकते। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आप पिछले वाले स्केड्यूल के साथ इसको मिला के बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे
फिर से दिखाती हूँ। फुल डे स्केड्यूल इसको यूज किया, जब आप यहाँ से यहाँ पे पहुंचे तो आपने सोचा आज हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे और ये करेंगे सुबह में, ये कह के आपने उसको पहले तीन दिए दिखाए यहाँ पे पूछ लिया, या फिर आप यहाँ पे आ गए और आपने उससे पूछा, इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में कर दिया। याद रखिए इसमें आप अंडे और बहुत सारी चॉइसेस बच्चे को दे सकते हैं अपनी मर्जी की। इस तरह से ये यूज करते हैं स्केड्यूल्स। यहाँ से पेरेंट्स चाहे तो इस स्केड्यूल को प्रिंट कर सकते हैं मेरे से, लेकिन प्लीज इसको कहीं ऑनलाइन इस तरह से खुद से शेयर ना कीजिए। फौरी तो अब आपने देखा कि विजुअल स्केड्यूल्स कैसे होते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप फौरी तौर पे अपने घर पे इनको इस्तेमाल कर सकें और आपको ये समझ आ जाए कि विजुअल स्केड्यूल्स क्या हैं। अगर आप कहीं घबरा रहे हैं मैं कैसे बनाऊं क्या करूं, इन्हीं को अपने फोन पे तस्वीर खींच लें बड़ी करके इनलार्ज करके और एक एक करके इस्तेमाल कर लें। अगर आपको लगता है इनके साथ मैं आपको जरूर मशवरा दूंगी कोई साइन बना लें या कोई सिंबल बना लें। जैसे अगर बाथरूम टाइम है तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुकी टॉयलेट ट्रेनिंग की कि दिस इज बाथरूम टाइम राइट, आप जैसे बाथरूम टाइम ताकि थोड़ा बहुत बच्चे को और जितनी सपोर्ट दे सकते हैं हम वो दे दें। अच्छा आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे मिलते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और मुझे ये भी पता चलता रहता है कि किन बच्चों ने जब आप शेयर करते हैं कि बच्चे कितनी इंप्रूवमेंट है, बड़ी खुशी होती है ऐसी बातें सुन के कि जब हम बात करते हैं तो उसका इफेक्ट भी होता है। आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो जरूर होगा इंशाल्लाह ताला, मे भी इतनी जल्दी नहीं तो थोड़ी देर में। तो चलिए रमजान आगे आ रहा है, अगर आप लोग मुमकिन हो तो मेरी फैमिली के लिए, मेरे सास ससुर और मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है उन लोगों की मगफरत के लिए, मेरी वालदा हैं अभी उनके लिए, हमारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। और अल्लाह ताला हम सबके इबादतों को कबूल फरमाए और हमारे बच्चों को बहुत तरक्की और खुशियां अता फरमाए। तो ये स्केड्यूल्स प्लीज़ यूज़ कीजिए, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यहाँ नीचे लिख दीजिए या मैसेंजर पे आप लोग मुझे एज यूजुअल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वीडियोज़ बहुत अच्छी आ रही हैं, आगे मैंने टेबल वर्क के लिए भी बना के रखी हुई है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की वीडियोज़ जो कि हर डिसेबिलिटी के बच्चे के लिए यूज़ होती है, तो वो भी देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले एक दो तीन हफ्ते में मैं रिलीज़ करूँगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।